एकाग्र होकर सावधानी पूर्वक सीधे होकर के बैठें और गायत्री महामंत्र का श्रद्धा के साथ उच्चारण करें। गायत्री मंत्र चारों वेदों में बुद्धि का मंत्र है। हम जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे दो, अच्छी बुद्धि दो, तो बुद्धि जब अच्छी मिल जाती मनुष्य को तो उसके सारे काम बन जाते हैं। परमात्मा से आप धन मांगो तो परमात्मा के पास कोई अलग से बैंक नहीं है कि उसमें से पैसा आपको भेज देंगे, वो आपको बुद्धि ऐसी तीव्र देंगे कि उससे आप खूब धन कमा सकते हैं। परमात्मा से आप कोई और चीज़ मांगोगे तो वो आपको बुद्धि देंगे बढ़िया, उस बुद्धि से सारे काम बनते हैं। ज्ञान भी दे रखा है कि कैसे धन कमाया जाता है, कैसे उसको खर्च किया जाता है, कैसे आपको शरीर को ताकतवर बनाना है, उसके लिए भी ज्ञान और बुद्धि। तो बुद्धि का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि यदि इसकी बुद्धि सन्मार्ग पर चलने वाली हो, सही दिशा में चलने वाली हो, तो ये बहुत बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे कार्य कर सकता है। और यदि इसकी बुद्धि भटक जाए तो ये बहुत ज़्यादा पतन के कार्य भी कर सकता है। पशु इतना निम्न कोटि का काम नहीं कर सकता जितना एक बिगड़ी हुई बुद्धि का मनुष्य कर सकता है। आप देख लीजिएगा समाज में मनुष्य ही है जो कितने हीनियस, कितने घृणित कर्म कर देता है। रोज अखबार भरे पड़े रहते हैं इस तरह की घटनाओं के कि मनुष्य ने इस तरह का कर्म कर दिया। पिछले दिनों दिल्ली में चार ऐसे पागल लोग शराब के नशे में एक चलने वाली एक लड़की को उन्होंने अपना एक तरह से कैद कर लिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और शरीर में लोहे के सरिये डाल करके उसके लीवर और सारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर दिया। तो सिंगापुर के डॉक्टरों ने कहा कि आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिस व्यक्ति ने अपनी जो हविष थी उनकी उसको तो पूरा किया ही किया, परंतु उसके प्राण किस प्रकार से बुरी तरह से ले लिए। क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि मनुष्य इतना नीचे तक जा सकता है, इतना राक्षस बन सकता है? तो ये बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जब भी हम रात को सोया करें, दिन भर के सारे कार्य समाप्त हो गए, अब रात्रि को केवल सोना बाकी है, तो 5 मिनट आप सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर आंख बंद करके अपने भीतर झांको कि आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसी का मैंने वाणी से अपमान तो नहीं किया, कोई गलत कार्य ने हाथों से तो नहीं किया, मेरे मन में कोई गलत विचार तो नहीं उठा, किसी की माँ बहन का अपमान तो नहीं कर दिया। ये दिन भर के सारे कार्यों पर दृष्टि डालो और यदि आपको लगता है कि नहीं आज मुझसे ये गलती हुई है, आप अकेले हैं, आपका ईश्वर आपके भीतर विद्यमान है, वहाँ पर आपको अपनी गलती मानने में कोई आपके ऊपर बोझ नहीं आने वाला। सार्वजनिक रूप से तो आदमी गलती नहीं मानता, छिपाता है चीज़ को, किंतु अकेले में तो जानता है कि मुझसे क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो जानता है। और उन अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमको मिलना है। तो उस समय यदि आपको लगे कि आज मुझसे भूल हुई है तो आप उसका प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित किसी और से नहीं करवाया जाता, स्वयं अपने शरीर को दंड दीजिए, स्वयं दंड दीजिए। और दंड के तरीके क्या हैं? आधे समय का भोजन छोड़ दो, आज दोपहर का भोजन नहीं करूँगा क्योंकि मुझसे भूल रखी, मैं प्रायश्चित करूँगा। 2 घंटे मौन होकर बैठ जाइए, किसी से बात मत कीजिए, आज मैं बोलूँगा नहीं, कुछ देर मुझसे कोई बात ना करे, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। आप थोड़ा नींद छोड़ दीजिए, जागिए देर तक, चिंतन कीजिए कि क्यों हुआ ये सब। जो व्यक्ति अपना आत्मालोचन करके जीवन को चलाता है वो जिंदगी में कभी भूल नहीं करता है और वो बहुत आगे निकल जाता है। और जो ऐसे ही आँख मीच के चल रहा है तो वो तो भाई कहीं ना कहीं जेल के सिंकचों में जाएगा, कहीं समाज में अपमानित होगा, कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए प्रतिदिन शाम को एक तो ये काम करें और दूसरा कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मेरी बुद्धि में प्रेरणा करो कि मैं सन्मार्ग पर चलूं, अच्छे रास्ते पर चलूं, मेरा रास्ता गलत ना हो, मैं हमेशा अपने विवेक को, विवेक कहते हैं उस तत्व को, बुद्धि के तत्व को जो सही और गलत का फैसला लेती है, मेरा विवेक जागृत रहे हमेशा।
जब कभी भी मेरे सामने कोई काम करने का वक्त आए और मैं डावांडोल हूँ कि करूँ कि ना करूँ, तो उस समय मेरा विवेक इतना अच्छा हो कि मैं सही फैसला करूँ, गलत दिशा में मैं ना चला जाऊँ। ये प्रार्थना प्रतिदिन आप परमात्मा से करके सोएं। जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, वो भी अगर रोज़ इस तरह से गायत्री जप करके बुद्धि की कामना के साथ सोएंगे कि भगवान मुझे इतनी तीव्र बुद्धि दो कि मैं अपनी क्लास में एक नंबर पर आऊँ, मैं अपने प्रदेश में एक नंबर पर आऊँ, मैं अपने देश में एक नंबर पर आऊँ, मुझे इतनी तीव्र बुद्धि दो। और तीव्र बुद्धि के साथ यहाँ पर सद्बुद्धि की बात की जाती है। बहुत लोगों पे बुद्धि तो बहुत तीव्र होती है, बड़े चालाक होते हैं वो तीव्र बुद्धि वाले लोग, किंतु सद्बुद्धि नहीं होती उनकी, वो गलत फैसले लेते हैं, वो दूसरे को लूटने की योजना बनाते हैं, चोरी करने की योजना बनाते हैं, डाके मारते हैं, या वो कहीं ना कहीं घोटाले करते हैं, रेत मिला के सड़क और पुल बना देते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे चालाक बुद्धि वाले लोग, ऐसी बुद्धि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सद्बुद्धि चाहिए जो पवित्र हो, सात्विक हो, सही दिशा में जाए। ये इसका भाव है। और आप लोगों को, हम सबको बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धिर यश्य बलम तश्य, जिसके पास बुद्धि उसी के पास शक्ति है, बल है, चाहे वो धन का बल है, चाहे विद्या का बल है, चाहे शरीर का बल है, चाहे राज्य का बल है, सब कुछ बुद्धि से प्राप्त हो जाता है मनुष्य को। तो आओ उस परमात्मा से सद्बुद्धि की कामना कर लें पहले, फिर अपनी चर्चा करेंगे। सब सीधे उठ बैठकर एक मिनट के लिए आंखें बंद कर उस ईश्वर से जुड़ें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यासपीठ पर विराजमान इस यज्ञ के ब्रह्मा पद पर सुशोभित आर्य जगत के तपोनिष्ठ सन्यासी, एक बहुत ही प्रभावशाली आशु कवि, और उन कविताओं को स्वयं अपनी जिस रूप में, जिस शैली में वो गाते हैं, तो समा बंध जाता है सभा में। ऐसे पूज्य स्वामी सत्यवेश जी महाराज, युवा सन्यासी जिन्होंने भरी जवानी में अपनी जिंदगी के सभी अशनाओं को छोड़कर एक बहुत कठोर रास्ता अपनाया, सन्यास की दीक्षा ली और महर्षि दयानंद के मिशन को अपने जीवन का एक मिशन बना करके पूरे समाज के लिए जो आगे बढ़े, आज सोशल मीडिया पर जिनकी बहुत बड़ी छाप है, मिशन आर्यावर्त न्यूज़ यूट्यूब चैनल है जिसको लाखों लोग देखते हैं, जिसमें सारे आर्य जगत के भजनोपदेशकों के हजारों भजन हैं, व्याख्यान हैं, हवन यज्ञ आदि तमाम सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। आप एक बार मिशन आर्यावर्त खोलें तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाता है। स्वामी आदित्य वेश जी, हमारे वेद पाठी अंकित जी, और हमारे दूसरे, क्या नाम है तुम्हारा? हृदयांश। ये हृदयांश जी और इस मंच का बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन करने वाले। और मैं यदि ये कहूँ कि इस गांव में जिनकी वजह से, जिनके एक लिंक और माध्यम से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, जो बहुत हजारों नवयुवकों को तैयार करते हैं, शिविर लगाकर उनको प्रेरणा देते हैं, उनको बहुत चीज़ें सिखाते हैं, उनको व्यायाम सिखाते हैं, सिद्धांत सिखाते हैं, यज्ञ सिखाते हैं, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूरे जीवन का संकल्प इनका भी है, आदरणीय आचार्य सेंसरपाल जी, हमारे अभी बहुत ही सुंदर व्यवहारिक जीवन में उतार देने वाले विचार जिन्होंने रखे, ऐसे हमारे विद्वान प्रधान जी जो दूसरे गांव से सुलेमपुर यहाँ से आए हुए हैं, उनका अभिनंदन। और इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित, पिछले साल भी आपके दर्शन हुए, एक बहुत ही योग्य व्यक्तित्व के धनी, हमारे इस क्षेत्र के पहले प्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, और आप भले ना हो किंतु ऐसे व्यक्तियों का विधायक होना न होना मायने नहीं रखता। आप गुरुकुल से भी जुड़े हैं, आदरणीय जितेंद्र जी सतवई, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं आर्य समाज के समस्त मेरे बुजुर्ग जो यहाँ अधिकारी हैं, नवयुवक अधिकारी हैं, उन सब की सूची तो मुझे नहीं प्राप्त हुई, किंतु मैं भाई विवेक आर्य जी को
इन सबका अभिनंदन देते हुए ये आभार प्रदर्शित करूँगा कि मेरा कार्यक्रम तो कहीं का बना हुआ था, पर आप लोगों का जो स्नेह यहाँ देखने को मिलता है, जो श्रद्धा आपकी आर्य समाज के कार्यक्रमों में देखने को मिलती है, तो वो पिछले साल की मेरे मनस्पटल पर जो अमिट छाप थी उसके कारण से मैं यहाँ आने के लिए मेरा मन बना कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे गांव में जो इतना श्रद्धा से इतना भव्य आयोजन करते हैं, इन सभी नवयुवक साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप दुनिया का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस गांव की पवित्र भूमि पर। इसलिए भाई विवेक जी को और तमाम सारे उनके युवा साथियों को, समस्त बुजुर्गों को, जो आर्य समाज की आपकी कार्यकारिणी है अधिकारी, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरे समक्ष उपस्थित मेरी बहुत ही पूजा के योग्य मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण का विद्वान लिखता है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। मैं आपके सामने ये प्रश्न उपस्थित करता हूँ, और ख़ासतौर पर नए नवयुवक जरूर इस बात को उठा सकते हैं कि क्या ये देव यज्ञ जो हम कर रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं हो सकता। तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा कि एक यज्ञ परमपिता परमात्मा करते हैं, ये सृष्टि का जो निर्माण किया हुआ है और इस सृष्टि के साथ साथ जीवात्माओं के कर्मों का फल देने का जो कार्य परमपिता परमात्मा करते हैं, तो वो ईश्वर का यज्ञ निरंतर चलता रहता है। ईश्वर की अग्नि सूर्य है, सूर्य की अग्नि से ये सृष्टि चल रही है। यदि सूर्य की अग्नि न हो तो पानी नहीं पैदा हो सकता, पानी न हो और सूर्य की गर्मी ना हो तो वनस्पति नहीं उग सकते। ये अन्न वगैरह जो कुछ हम देख रहे हैं, वनस्पति हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जल और गर्मी, ये जो अग्नि है सूर्य की, उसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए सबके मूल में जो अग्नि है ईश्वर की, वो सूर्य है। और ऋग्वेद का पहला जब मंत्र हम बोलते हैं तो अग्नि मीले पुरोहित, ये जो अग्नि से शुरू किया वेद का ज्ञान, तो भौतिक अग्नि हमारे यज्ञ की अग्नि है। हम सूर्य की अग्नि का सीधे सीधे हम इस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते कि उससे हम अपना यज्ञ करें। ईश्वर ने हमको उसका प्रतीक, जो प्रतिनिधि है इस संसार के अंदर, वो भौतिक अग्नि हमको दे दी कि इस भौतिक अग्नि से तुम यज्ञ करो। और इसलिए इस यज्ञ को, देव यज्ञ को भी, ऐसे ही और भी बहुत सारे यज्ञ हैं जिनमें ये प्रक्रिया तो नहीं होती कि अग्नि जले, आहुतियाँ दी जाएं, घी की सामग्री की, और ये सारा कार्य हो, किंतु वो हैं यज्ञ। आप सब जानते हो कि पंच महायज्ञ तो ऋषि दयानंद ने ही बता दिए, जिसमें माता पिता की सेवा भी महायज्ञ है, जिसमें अतिथि का सत्कार भी महायज्ञ है, जिसमें ईश्वर की उपासना भी महायज्ञ है, जिसमें ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनकी सुरक्षा, इनकी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है, इनको ठीक रखना भी महायज्ञ है। पांच महायज्ञ बताए, जिनमें एक ये यज्ञ है जो अग्नि से होता है और बाकी सारे के सारे अलग तरीके से होते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि संसार के प्रत्येक वो कार्य जिनसे समाज का, संसार का उपकार होता है, भला होता है, वो सब के सब यज्ञ के कोटि में आते हैं। आप निश्चय कर लीजिएगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो यज्ञ की कोटि में नहीं आते, वो फिर राक्षस और असुर वृत्ति के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं। राम के जमाने में इन यज्ञों को भ्रष्ट किया जाता था। जब यज्ञ में अग्नि डालते तो पसे हुए जानवर ला करके डाल देते थे, कटे हुए। और बाद में हमारे देश में ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि इन यज्ञों में फिर पशुओं की बलि भी दी जाने लगी, जिनको वेद नहीं आता था, आज भी नहीं आता। मुझे ताज्जुब हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले किसी ने बयान दिया कि वेदों में लिखा है कि गोमांस खाते थे प्राचीन लोग, जो ऋषि लोग थे। अब मुझे बताओ, क्या परमात्मा गाय का मांस खाने के लिए ही प्रेरणा दे रहे हैं वेद में? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको वेद का कैसे खैर नहीं आता, उनको व्याकरण का एक शब्द भी नहीं आता, अष्टाध्यायी का, महाभाष्य का, निरुक्त का, कि वो ये तय कर सके कि वेद के मंत्र का अर्थ क्या है।
अर्थ का अनर्थ करके लोग प्रचार दुष्प्रचार करते हैं। और बीच के काल में गोमेद यज्ञ जब होता था तो मूर्ख लोगों ने बना दिया कि गोमेद का मतलब गाय का कि जिसमें आहुति दी जाएगी मांस की, वो यज्ञ गोमेद माना जाएगा। जबकि गो के बहुत सारे अर्थ हैं, गो के तो पचासों पर्यायवाची अर्थ हैं, जिसके गो का मत बुद्धि भी है, गो का मत किरण भी है सूर्य की, गो के गाय भी है, गो के बहुत अर्थ हैं। कहाँ कौन सा अर्थ लगाना है ये हमारे ऊपर निश्चय करेगा कि हम कौन सा अर्थ कहाँ लगा रहे हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं बीच के काल में हमारे देश के भी विद्वानों ने, जिनमें महीधर, जिनमें सायण, जिनमें उवट, जिनमें रावण और कई नाम आते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान तो थे संस्कृत के, किंतु वेद के मंत्रों का गलत अर्थ किया करते थे, पैसा लेते थे दूसरे लोगों से, उनको पैसा दे करके खरीदा गया कि तुम भारत की संस्कृति को बिगाड़ो, इनके वेद के मंत्रों के अर्थ गलत कर दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी नफरत करें ऐसे वेदों से जिनमें ऐसा लिखा हुआ। ऐसे ही कह दिया कि नरमेदिय, नर कहते मनुष्य को, अर्थात मनुष्य की बलि दो। तो बीच के काल में जब यज्ञों में ये परंपरा बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी कि अर्थ के अनर्थ हुए। ऋषि दयानंद कहते हैं मैक्स मुलर, कीथ मैकडोनल्ड जो यूरोप के विद्वान थे, उन्होंने भी वेद का भाष्य किया। और वो क्या लिखते हैं, कहते हैं मैक्स मुलर इतना मूर्ख आदमी था कि उसको ये भी नहीं पता था कि कौन से शब्द का कहाँ क्या अर्थ लेना है। तो उदाहरण देते हैं, एक शब्द होता है सैंधव, और सैंधव के दो अर्थ हैं, सैंधव का अर्थ घोड़ा और सैंधव का अर्थ नमक। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं एक व्यक्ति भोजन पर बैठा है, थाली सामने है, उसने एक टूक लगाया दाल या सब्जी में, लगाया नमक कम लगा होगा, तो वहाँ उसकी इच्छा हुई कि भाई नमक दो, और वो कहे सैंधव लाओ, और कोई मूर्ख आदमी उसका ये समझ करके घोड़ा मंगवा रहा है, तो घोड़ा खोल के ले आए भोजन के समय, तो क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि इसको वक्ता का तात्पर्य समझ में नहीं आया तो वो बेवकूफ़ है, यहाँ तो नमक की ज़रूरत थी, सैंधव नमक भी होता है, नमक क्यों नहीं लाया? और वही व्यक्ति बैग लेके बाहर खड़ा हो, जाने की कई तैयारी हो, अब क्या चाहिए उसको? घोड़ा चाहिए। वो कहे सैंधव लाओ, और उस समय नमक का डब्बा ला के पकड़ा दे उसके हाथ में, तो क्या कहेंगे कि बेवकूफ़ है, इसने समझाने की कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होता है। ऋषि दयानंद ने ये तर्क दिया है कि जितने वेदों के मंत्र आज के विद्वान कर देते हैं, वो ये नहीं जानते कि सैंधव का अर्थ कहाँ कौन सा लगाना है, वो शब्दों का अनर्थ करते हैं। इसलिए इस यज्ञ की भी बड़ी एक तरह से दुर्गति बीच के काल में हुई। आज भी मैं कहता हूँ ये जो गोला जो डालते हैं ना, गोला बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें तो तेल होता है बहुत सुंदर, इसमें जलेगा नुकसान नहीं करता, वो फायदा करता है, किंतु गोले का जो सिर काटा जाता है ना ऊपर से, ये उस समय की इसमें जो पशु बलि की जो परंपरा थी उसको जीवित किया हुआ था। बीच के काल में वो बीमारी हमारे यज्ञ में भी आने लग गई, उसके कारण से ये किया कि अगर तुम पशु नहीं काटते तो गोला काट के दे दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएंगे। कितना दुर्भाग्य है कि इतना हम आँख के अंधे गांठ के पूरे हो जाते हैं कि इस देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी जिनको सारा देश जानता है, कितना आदर देता है, आज भी जो कौन बनेगा करोड़पति का कार्यक्रम चलाते हैं अमिताभ बच्चन जी, वो बीमार होते हैं, उनके पेट में अल्सर है, और अल्सर से घाव हो जाते हैं पेट में, क्योंकि कुली फिल्म में जब वो रोल कर रहे थे अपना उसका अभिनेता का, तो उनके चोट लगी थी, और वो चोट का घाव आज तक ठीक नहीं हुआ। जब कभी कोई गलत चीज़ खाई जाती है तो वो घाव उनका फिर हरा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। पिछले दिनों वो बीमार हो गए, लीलावती हॉस्पिटल में बॉम्बे में दाखिल हो गए, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए पूरा डॉक्टरों का बोर्ड बन गया 7 लोगों का, और उनको बुलाया गया कि देखो क्या पोजीशन है, सब सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टरों ने कह दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ये पुरानी समस्या है, थोड़े दिन 1 सप्ताह में रखेंगे, ये स्थिर हैं, स्टेबल हैं, उसके बाद इनको हम छुट्टी दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। किंतु उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, जया भादुड़ी को, राज्यसभा में रही है 10 साल, पढ़ी लिखी है, वो बॉम्बे के एक और किसी तांत्रिक के पास जाकर के पूछती है ऐसा ना हो कि बच्चन जी का जीवन ही खतरे में पड़ जाए, हमें डॉक्टरों पे विश्वास नहीं हो रहा, हम कुछ और करें क्या बताओ? और उन्होंने कहा हाँ तुम करो, कामाख्या देवी की जो वहाँ पर मंदिर है आसाम के अंदर गुवाहाटी के पास, वहाँ जाकर और भैंसों की बलि देकर आओ। पूरे परिवार को लेके एक चार्टर्ड विमान के साथ वो वहाँ जाते हैं,
और वहाँ जाकर के 11 भैंसें, आज भैंस की कीमत कितनी है आप सोच सकते हो, जो जवान भैंस होती है मुर्रा नस्ल की 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं आती, 11 भैंसें कटवाई और उनका खून जो है उसका तिलक किया देवी के माथे पर, तब उनको संतोष हुआ कि अब पति देव को कोई खतरा नहीं। ये परंपरा बीच के काल में मूर्खता की वजह से चलाई गई और हम उसको जो का तो मानते चले जाते हैं। इसलिए मैं यज्ञ की चर्चा कर रहा था, ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है संसार का, ये हमारे शास्त्रों का अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ इसे पूरे संसार की नाभि है। जैसे मैंने सूर्य के माध्यम से ईश्वर का यज्ञ बताया, तो ईश्वर का यज्ञ जब सूर्य से हो रहा है तो स्वाभाविक है कि सूर्य ना हो तो ये यज्ञ ना हो, और ये यज्ञ ना हो तो ये संसार प्रलय हो जाएगा। ये संसार की नाभि है ये यज्ञ। और मैं उन लोगों को आज थोड़ी देर आप बैठने की हिम्मत जुटाना, दो पक्ष बताऊंगा इस यज्ञ के जो आपको जानने बहुत जरूरी है। हम आंख बंद करके करते चले जाते हैं किंतु यज्ञ का जो भाव है, क्यों कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो हम लोग जान नहीं पाते, तो उसमें हमारे में और किसी मंदिर की मूर्ति में पूजा करने में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हमको पूरा एक एक क्रिया की जानकारी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और इसमें मैं दो बातें इसलिए कहा करता हूँ कि ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा कि महाराज क्या ये जो देव यज्ञ हम करते हैं, इस देव यज्ञ से करने से क्या केवल वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, यही लाभ है या और भी कोई लाभ है? तो ऋषि दयानंद कहते कि नहीं, देव यज्ञ करने से आत्मा की उन्नति भी होती है। अब प्रश्न उठता है इससे आत्मा की उन्नति कैसे हो जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस देव यज्ञ के अंदर सबसे अधिक यदि कोई चीज़ हमको देखने और सुनने और व्यवहार में आने में जो दिखाई देती है वो है त्याग, छोड़ना। हर चीज़ हम इसको दे रहे हैं, संविधाएँ लगाई, फिर घृत डाला उसमें, उसको संविधा को प्रज्वलित किया, ओम उद्बुद्ध स्वाहा अग्नि, हे अग्नि ऊपर उठ जाओ, मैं बैठ गया हूँ यजमान, अब मैं यज्ञ को करने जा रहा हूँ, आप अग्नि तीव्र हो जाओ, ये प्रार्थना कर रहा है सबसे पहले, उद्बुद्ध स्वाहा अग्नि, हे अग्नि अब आप उद्बुद्ध हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, मेरे यज्ञ को प्रारंभ करवाओ। और फिर वो आगे बढ़ करके संविधाएँ देता है, उसमें संविधा अग्नि द्वेष्यते वो मंत्र बोलते हैं, फिर 5 घी की आहुति दे के तीव्र कर देता है। तो इसमें हम त्याग कर रहे हैं और वो त्याग की हुई चीजें ये अग्नि देव अपने पास नहीं रखता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान को भेंट चढ़ा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। कोई भगवान को भोग लगाने का व्यवहार है? जो ईश्वर हमको सब दे रहा है, उसी ने सब कुछ दिया, उसी ने ये सृष्टि दी, उसी ने ये शरीर दिया, उसी ने ये पदार्थ दिए, उसी ने सूर्य, उसी ने चंद्रमा, उसी ने जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, ये सब कुछ दिया, और उससे पैदा होने वाले सारे वनस्पति दिए, हम उसी का भोग लगाने चल पड़ते हैं। तो वो तो दिखता नहीं क्योंकि निराकार है, उसकी तो सत्ता अलग है, तो हम उसका एक नाटक बना लेते हैं, सामने किसी की मूर्ति रख लेते हैं तो उसको भोग लगाते हैं, और क्या मिलता है जवाब? वो नहीं खाता। देखो, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति और हमारी बनाई हुई मूर्ति में फर्क है। ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति को खिलाओ तुरंत खाएगी। हमारी बहनें बैठी हैं, अपनी सास को हलवा ले जाके खिलाओ, उसको मानो मेरी ये देवी है, और आज उसको भोग लगाना है क्योंकि त्यौहार है, आज तो दुर्गा नवमी है ना, दुर्गाष्टमी, तो कल बता रहे थे स्वामी जी, आप सब तो नवरात्र करते हो, और उस दुर्गा के स्वरूप को भी हम नहीं जान पाते कि वो दुर्गा है क्या। दुर्गा की अष्टमी मनाओ, दुर्गा की नवमी भी मनाओ, किंतु दुर्गा को समझ तो लो कि हम दुर्गा कौन है, वो दुर्गा जो हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, उसको हम किस रूप में मनाएं, ये हम नहीं जानते। हमने तो अलग अलग शकल की 9 देवियां बना डाली कि ये दुर्गा का ये रूप है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये सिद्धदात्री है, ये वो है, ये है, नाम धर दिए उनके अलग अलग। ये सारे किसी एक शक्ति का नाम, ईश्वर की शक्ति, दुर्गा रूपा अर्थात वीरता की भरी हुई वो एक पहचान होती है, और उसके ये अलग अलग रूप होते हैं, उन गुण होते हैं, उन गुणों को मूर्तियों का रूप दे करके हम जब देखते हैं तो होता क्या है, आप माता को खिलाओगे तो वो फौरन खाएगी, और आप जो हमने बनाई मूर्ति उसको खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगी।
हम उसके मालिश करें माता जी के श्याम को पैरों के तलवों के तेल लगा के, बहू जाए अम्मा तुम सोओगी लाओ पैर दबा देती हूँ तो आपको आशीर्वाद देगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, कितना अच्छा आशीर्वाद देती है माँ। और उसकी खूब नहलाओ, दूध से नहलाओ किसी और चीज़ से नहलाओ और फिर आशीर्वाद दो माता, तो माता चुप है बोलती नहीं। आप उसका अभिवादन करो नमस्ते करके जवाब नहीं देगी, किंतु आप पैर छू के नमस्ते करो अपनी माता की, अपनी मूर्ति भगवान की बनाई मूर्ति की उपासना करोगे तो वो आपको जो चाहते वो देगी और वो कुछ नहीं बोलती। तो उसका तरीका ऋषियों ने निकाल लिया कि देवताओं को अगर भोजन लगाना है तो मंदिर का देवता नहीं खाता, किसको दो तो इस अग्नि को दे दो। ये है देवताओं का मुख, सारे देवताओं को इसमें देने से सबको मिल जाता अपने आप। अब सवाल उठता है कि देवता किसको माने, देवता वो होता है जो देने वाला है, देता है वही तो देवता, और जो लेता है वो लेवता। तो देवता कौन कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे ये दुनिया बनी हुई है, वो पांच देवता हैं और दो तीन उनके सहयोगी हैं वो भी देवता हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सूर्य विद्युत, ये सारे के सारे देवता हैं। और इन देवताओं को यदि हम छोड़ दें, ईमानदारी से आप सोच के देखना, एक ही उदाहरण दूंगा, अगर ये वायु देवता बिगड़ जाए और इसमें ऑक्सीजन कम हो जाए, इसमें जहरीली गैसें भर जाए, इसमें प्रदूषण बढ़ जाए, तो क्या जिंदा हम रह जाएंगे? श्वास फूलने लग जाता है जब ऑक्सीजन कम हो जाती है। एक कमरे में दरवाजे बंद करके रोशनदान बंद करके और चार छः लोग सो जाओ, सुबह उठोगे तो ऐसे उठ रहे जैसे रात को लट्ठों से पीट रखा हो शरीर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली रात को, वही कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रही, प्राण सारे के सारे सूख गए शरीर के, और बाहर जब घूमने गए तो मुश्किल से चलने की हिम्मत पैदा हुई क्योंकि ऑक्सीजन गई फेफड़ों में गई तो ब्लड में भी गई और एक चीज बन गई, विज्ञान है ये। तो इस एक देवता को भी अगर हम बिगाड़ देते हैं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। हम जीवित हैं श्वास के ऊपर, नाक बंद कर दो और मुंह के टेप लगा दो तो डेढ़ मिनट में खत्म, अगर प्राण ना जाए भीतर तो मौत हो जाएगी तुरंत। इस वायु का कितना बड़ा महत्व है, यह है देवता, ये हमको ऑक्सीजन देता है, ये हमको और सारी गैसें देता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। भोपाल के अंदर एक गैस कांड हुआ जो अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, एक घंटे में 20,000 आदमी मर गए, उसकी गैस लीकेज होगी, बहुत जहरीली गैस थी, वो गैसें काम आती थी, जगह जगह वो सप्लाई करता था, किसी कारण से सिलेंडर लीक हो गया और वो जो गैस हवा में गई तो इस हवा के अंदर जितना ऑक्सीजन का जो मात्रा थी वो कम हो गई और वो जहरीली गैस उसमें भर गई, जो जो जिसने भी श्वास लिया भीतर फेफड़ों में उसका जहरीला श्वास गया और वो वहीं पर बेहोश होता चला गया। एक घंटे में 20,000 आदमी मरे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कि 20,000 आदमियों का हर्जाना दे ये कंपनी, कैसे लीकेज हो गया, क्यों मार दिया लोगों को। इस देवता का कितना महत्व है। अब पानी का ले लो, सहारनपुर से गाजियाबाद तक डॉक्टर चंद्रवीर राणा दाहा के रहने वाले हैं, जो साइंटिस्ट हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में नौकरी की, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने वहां से यहां तक के 6 जिलों का नीचे का पानी टेस्ट करवाया और उस इलाके में सहारनपुर में उधर जितने भी उद्योग या जो कुछ भी था या मीट इंडस्ट्री के जो जो ये बनाते हैं बूचड़ खाने, उन सबका जितना भी प्रदूषण था नीचे गया जमीन में और नीचे के पानी में इतने दोष आ गए कि एक गांव था जिसमें 90 आदमी कैंसर पीड़ित थे और 125 पशु वो भी कैंसर से मरे उस गांव में। 6 के 6 SP और DMs को सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना किया, ये रिकॉर्ड की बात है, अभी 3 साल पहले आया वो फैसला। नीचे का पानी बिगड़ गया, लोगों के लीवर कंडम होते चले जाते हैं, आज वही पानी 20-20 रुपए की बोतल में आके बिक रहा है और बोतल में भी नकली बिक रहा है, क्योंकि ये भारत तो बहुत ऐसा देश है कि यहाँ सब कुछ चलता है, पानी भी शुद्ध नहीं मिलेगा वो भी नकली, नाम तो मिनरल वाटर लिख देंगे और यहीं भर भर के उसके वो डाट लगा देते हैं, उसके सील कर देते हैं, बिग्गी वो 2 रुपये का पानी 20 रुपये में बेच देता है आदमी। यह आदमी के जीवन लेने के लिए आदमी बैठा हुआ,
या नकली मावा बेचता है आदमी, नकली दूध बेचता है आदमी, इनको सब्जियों को इंजेक्शन लगा के बेच देता है आदमी। एक महिला के स्तन फट गए होते इंजेक्शन लगा दिया गलत सब्जी में, और उस महिला को भी इंजेक्शन लगा दिया वो गलत जो पशु को लगा करके दूध हम निकाला करते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास ले गए, उसने बहुत मुश्किल से उसके जीवन को बचाया, उसके एंटी जो दूसरा इंजेक्शन चाहिए था वो लगाया और वो बच सके। कहने का मेरा मतलब है ये देवताओं का भोजन जो है वो अग्नि को दो, हवन में दो, हवन को अपने जीवन के साथ जोड़िए। आप विचार आर्य समाज के मानते हैं कि नहीं मानते ये सवाल नहीं है मेरा, आप इस हवन को अपने घर ले जाओ। जिस घर के अंदर इस हवन की धुआंधार उठने लग जाएगी, वेद मंत्र बोलने लग जाएंगे, उस घर के अंदर झगड़े मिटेंगे, उस घर के अंदर बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे, उस घर का वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, रोग मिट जाएंगे और सारे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, अग्नि भी खुश। अग्नि ने तो बांट दिया, अग्नि का एक गुण है, साइंस के विद्यार्थी जानते हैं कि अग्नि के साथ किसी चीज़ का भी संपर्क करा दो अग्नि उसको तोड़ती रहती है, और कितना तोड़ती है कि प्रकृति जिसको मैटर कहते हैं ये विज्ञान में, उसका अंतिम जो हिस्सा है टूटने के बाद उसको अणु कहते हैं, अणु अणु में बदल जाता है, आपकी एक चम्मच घी के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, हजारों, एक चुटकी जो आपकी सामग्री उसके हजारों हिस्से हो जाते हैं, आग उसको सूक्ष्म बनाकर प्रकृति के आखिरी अणु तक तोड़ देती है, और वो इतने टूटे हुए हिस्से वायुमंडल में जब जाते तो ये वायु उसको लेके भागती है चारों तरफ, और चारों तरफ चाहे कोई पशु पक्षी है, चाहे कोई मनुष्य है, किसी जात का है, किसी मजहब का है, शहर का है, गांव का है, गरीब का है, अमीर का है, सबको भगवान की ये वायु आपके द्वारा दी गई आहुतियों के अंश को लेकर शुद्ध होकर लोगों को जीवन देती है, और केवल यह नहीं अंतरिक्ष और द्युलोक तक पहुँचती है। ये विकिरण का सिद्धांत है, इसलिए इस यज्ञ को इस रूप में समझने की जरूरत है। पिछले दिनों कोरोना में बहुत बड़ा एक विचार चला और ये बात आ गई कि भाई कोरोना जो है वो ठीक कर देंगे, तो हमने हवन चलाए, 3000 जगह हवन हुए, किंतु हुआ क्या कि कुछ लोगों ने ढोलकी उठा ली और मंदिर में बैठ के बजाने लग गए, कहने लगे कि हे देवी कोरोना ठीक कर दो। कुछ लोगों ने जो आजकल केमिकल की धूप आती है वो जलाकर डब्बे लेकर बाजारों में और घरों में घूमना शुरू कर दिया, धूप धूप कर रहे जी, और वो वैसे ही नुकसान करे, केमिकल है उसमें डाला हुआ, वो शुद्ध नहीं होती धूप, धूप मत जला करो घर में, वो नुकसान करती है, वो सारा हमारे वायुमंडल को दूषित करती है, लाभ नहीं करती है। उसमें तो मोगरा वगैरह की थोड़ी वो डाल देते सुगंधी लगती है, बाकी उसमें जहर होता है। तो क्या हुआ कि बयान आ गया एक डीएम का कि ये टोने टोटके करने वाले लोग जो है ये सावधान रहें, ये लोगों को बरगला रहे, इससे कोरोना ठीक नहीं हो सकता, गलत। एक जगह ये भी बयान दे दिया कि हवन वाले भी ये कह रहे हैं कि इससे जो है प्रदूषण मिट जाता है, ये भी ठीक नहीं है। हमने इस पर बहस शुरू की, रोहतक के डीसी ने, वहाँ डीसी कहते हैं डीएम को, उसने जब ये बयान दिया उसको लेटर लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि डीसी को चैलेंज है, उसने ना तो हवन कभी किया, ना उसने हवन की प्रक्रिया को देखा, ना उसके रिजल्ट्स के बारे में वो जानता, उसको हम चैलेंज करते हैं, वो आए सामने और बताए कि कैसे हवन से पोल्यूशन खत्म नहीं होता, हम आपके सामने खड़े होंगे। और उस समय जोधपुर के साथियों ने एक वर्चुअल मेरा वो रखा प्रोग्राम, तब मैंने ये बताया था कि इस हवन से इस भौतिक सिस्टम में कितना बड़ा, ये एक साइंस की प्रक्रिया भी है, और मैंने बताया उसमें कि इसमें 4-5 प्रकार की चीज़ें हम डालते हैं। संविधाएँ डालने के बाद संविधा पता कौन सी डालते हैं, ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में संविधाएँ विशेष लिखी हैं, पीपल की, प्लाश की, गूलर की, आम की, बड़ की, खास किस्म की, इनमें कार्बन कम होता है, आम में सबसे कम कार्बन होता है, उसके बाद पीपल में कम होता है। तो जिस लकड़ी में कार्बन कम होगा यज्ञ में उसी का प्रयोग करना स्वामी जी ने विधान किया। दूसरे नंबर पर घी, घी हम डालडा नहीं डालने देते, बहुत सारे लोग विवाह शादी में देखा है पंडित जी कहे भाई घी कम पड़ गया घी लाओ, तो घर तो कौन जाएगा आजकल, क्योंकि वो जो बने हुए होते हैं बैंक्वेट हॉल और उनमें ही शादियाँ होती हैं, तो हलवाई के पास जाके जो डालडा का पिप्पा धरा उसी में से निकाल के कटोरा भर के धर देते हैं, लो जी घी।
अब उस समय ना तो किसी को पता घी आया कहाँ से है, उसी की स्वाह स्वाह करके डाल दिया, उसका फायदा होने के बदले नुकसान और कर दिया। इसलिए डालडा घी रिफाइंड ऑयल कोई भी इस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, और तो और मिट्टी का तेल भी नहीं जाना चाहिए, तो बहुत लोग डाल देते हैं मिट्टी का तेल। इसलिए इसमें डालो तो कोशिश करो कि गाय का शुद्ध घी डालो। क्यों डालो? उसका एक मैं हेतु दे रहा हूँ, पढ़े लिखे भाई वो जाने और उसकी जानकारी लेना। हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब किसी का ऑपरेशन हो तो डॉक्टर उसको वायरस फ्री करते हैं, साफ करते हैं उस थिएटर को, कमरे को, और उसके जितने वायरस चीज होते हैं उसमें, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए रोगी को। उसका मान लो ओपन हार्ट सर्जरी होनी है और इन्फेक्शन चला गया भीतर तो ख़त्म हो जाएगा। तो डॉक्टर वायरस फ्री करते हैं और उसमें एक गैस छोड़ते हैं जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। और वो गैस कहाँ से छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं मिथिलेन नाम का एक अल्कोहल है, उसके आजकल लैंप आने लगे हैं मार्केट के अंदर। मिथिलेन लैंप ले आओ और उसको बिजली के करंट में लगाओ, जैसे करंट की आग उसमें आएगी मिथिलेन अल्कोहल जलेगा तो उसमें से गैस निकलती है फॉर्मेल्डिहाइड, और वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस सब वायरस को ख़त्म कर देती है। मैं उन डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको दे रहा हूँ विधि, मत फिर आप अल्कोहल जलाइए, आप वहाँ पर गाय का घी अच्छे तेज जलने वाले कोयलों के ऊपर डालिए एक चम्मच, उसमें सफ़ेद धुआं निकलेगा और उस सफ़ेद धुएं के अंदर मैक्सिमम फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है, और जैसे वो हवा में फैलती है तो जहाँ जहाँ तक वो जाएगी वहाँ तक वायरस नहीं रहेगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है कीटाणु, एक होता है विषाणु। कीटाणु होते हैं बैक्टीरिया, विषाणु होते हैं वायरस। कोरोना का वायरस है किंतु हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आते हैं वो बैक्टीरिया से भी होते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया शरीर के अंदर हैं, एक बैक्टीरिया वो है जो शरीर के कोशिकाओं को बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं। हम अब मैं बोल रहा हूँ मेरे सेल घटेंगे, मेरी ताकत लग रही बोलने की तो बहुत सेल मेरे ख़त्म हो जाएंगे, जब मैं दोबारा से खाना खाऊंगा तो भीतर जो बैक्टीरिया जो सेल बनाने वाले उनको ताकत मिलेगी और मेरे अंदर फिर ये जो बोलने का ह्रास हुआ था शरीर में वो पूर्ति हो जाएगी। एक मित्र कीटाणु है और एक शत्रु कीटाणु है। अथर्ववेद का एक मंत्र आता है, उसमें वो कह रहा है हे दवाई तुम मेरे मित्रों को जो है ताकत दे दो और जो मेरे शत्रु हैं उनको मार दो। तो एक विद्वान जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा था वेद को, कनाडा में है डॉक्टर तुलसीराम, वो मुझे कहने लगे कि जब ये बात आई तो मैं उस चक्कर में पड़ गया कि दवाई को ये कैसे पता मेरा मित्र कौन है और मेरा शत्रु कौन है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन करने से रोक दिया। मैंने दो दिन तक मैं सोचता रहा इसका अर्थ क्या लिखूं, मित्र कौन है। तो अचानक वो कहते रात के 2 बजे मेरे को ऐसे ही एकदम वो आया, मेरी समझ पैदा हुई, मैं उठा और मैंने कलम उठाया, लिखना शुरू किया कि मेरे भीतर जो मित्र कीटाणु हैं ये दवाई उनको तो ताकत देगी और जो मेरे शत्रु कीटाणु हैं उनको मारेगी। दवाई के अंदर ये गुण है और उसको मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे मित्रों को ताकत देना और मेरे शत्रुओं को तुम ख़त्म कर देना। कैंसर जब हो जाता है तो उसके जो सेल्स जो भीतर उसके वो जो उसके कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए कोबरा के जहर के वो लगाते हैं इंजेक्शन, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं। कोबरा सांप का जहर होता है उसमें, और वो जहर ही ऐसा तेज होता है जिसको डॉक्टर भी बाकायदा उसको प्योरीफाई करके ताकतवर बना के इंजेक्शन के थ्रू देते हैं कि आदमी भी सहन नहीं कर पाता, इतना उसके अंदर वो होता है और उनको वो ख़त्म करता है। तो इस शरीर के अंदर इसमें पड़े हुए पदार्थ वायु के माध्यम से जब हमारे जाते हैं भीतर, फॉर्मेल्डिहाइड गैस जाती है इसके माध्यम से, दवाइयों के जो सूक्ष्म अंश जाते हैं इसके माध्यम से, गिलोय गूगल जावित्री जितनी दवाइयां हम सामग्री में मिला के डाल रहे हैं उनका सूक्ष्म भाग जब श्वास के द्वारा हमारे शरीर में जाता है तो हमारे भीतर मित्र कीटाणुओं को ताकत मिलती है और शत्रु कीटाणुओं को वो सारे की सारी दवाइयों के अंश मार देते हैं। कोरोना में एक चीज़ आई थी, आपने देखा होगा, लोगों के फेफड़े जाम हो जाते थे, चौक हो जाते थे, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। पता लगा कि डॉक्टर कहते हैं कि लो एक कैप्सूल ले जाओ, रात को सोते समय भी दिन में भी 3 बार भाप देना इसको, रोगी को गर्म करके पानी उबाल करके एक भगोने में और वो कैप्सूल उसमें डाल देते। कैप्सूल क्या था वो, उसमें दवाइयाँ थी पीपरमेंट वगैरह,
जैसे पेपरमेंट को, तो अगर आप वैसे पेपरमेंट की छोटी सी गोली खा लो तो ऐसा ठंडा बना देती है कि नाभि तक ठंड जाती है उसकी, उसमें ऐसा गुण होता है पेपरमेंट में। और वो जो अग्नि गर्म पानी में पेपरमेंट डालते थे तो भाप में जाके श्वास से फेफड़ों में जाती तो आदमी को बड़ा सुकून मिलता, ओहो थोड़ा सा तो श्वास आया, थोड़ा सा तो श्वास आया। क्यों? क्योंकि वो जो दवाई थी जैसे ही फेफड़े में गई तो फेफड़े में उसने काम किया, और फेफड़े हमारे पहला गेट हैं भीतर श्वास को भेजने का। श्वास जो भी हम लेंगे पहले जाएगा फेफड़े में, फेफड़े में आता है ब्लड, ब्लड को वो शुद्ध करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है फेफड़े में होती है वो खून में मिलती है, और खून को फिर दिल हमारा सारे शरीर में भेजता है, तो ये एक प्रोसेस है। तो मैंने ये कहा कि जब हवन में हम दवाइयाँ डालते हैं और उसको अग्नि से हम सूक्ष्म बना देते हैं, और उसको श्वास के द्वारा जब भीतर लेते हैं तो वो जैसे पेपरमेंट भीतर जाकर काम कर रही है, तो ये दवाइयाँ काम क्यों नहीं करेंगी। उदाहरण के तौर पर आपको देता हूँ, आप अपने घर में टेस्ट करना, एक मीठे पदार्थ सामग्री में डालते हैं मिष्ट पदार्थ, और उसमें कौन कौन से डालते हैं, गुड़ डालते हैं, चीनी नहीं, शक्कर डालते हैं, देसी शक्कर केमिकल रहित, उसमें मुनक्का डालते हैं, उसमें छुआरे डालते हैं, जो मीठी चीज़ें वो डालते हैं। और ये किस आदमी को काम करते हैं, जिसके दमा हो वो सुनना, तीन दिन आप अपनी चारपाई के पास में हवन कुंड रखो, मंत्र आपको नहीं आते तो गायत्री मंत्र से ही काम चला लेना, और उसमें तीव्र अच्छे तेज कोयले जब बन जाएं उनमें आप ये मीठी चीजें डालना, इसका जो धुआं उसके भीतर जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे रामबाण आ गया है, तेजी के साथ उसका श्वास एकदम खुल जाएगा। जिन लोगों को दमा है इस हवन की चिकित्सा से लोगों के दमे ठीक होते हैं, गठिया ठीक होते हैं। आप गठिया की दवाइयाँ आग में डालिए और गठिया वाले की चारपाई के पास एक घंटा रख दीजिए, वो जो दवाइयाँ उसके भीतर जाएंगी ब्लड में, वो सारे शरीर में जहाँ जहाँ गठिया ने पकड़ रखा है शरीर को वहीं वहीं वो दवाई जब काम करेगी तो खुलता चला जाएगा। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें मीठी चीज़ें डालते हैं, इसमें सुगंधित चीज़ें डालते हैं, इसमें औषधियाँ डालते हैं, इसमें शुद्ध घी डालते हैं, और इनसे वायुमंडल का सारा वातावरण ठीक होता है। एक बात आप सब लोग जानते हैं, हमारा ये शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सारे जो तत्व हैं ये अन्न से बनते हैं, और कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, शरीर भी उसी से बनता है। शरीर का जो निर्माण है आपको तो पता है कि 40 दिन के बाद, इसके बाद जब हम भोजन करते हैं इसके बाद ब्लड बन करके फिर रक्त बनेगा, फिर उसमें मज्जा बनेगा, उससे फिर अस्थियां बनेगी, हड्डियां, फिर धातु बनेगी, और इस तरह से मनुष्य का शरीर बनता चला जाता है। तो अगर पॉल्यूशन के द्वारा बरसात होगी, अगर जहरीली गैसों से बने हुए बादल बनेंगे ऊपर, और उससे बरसे हुए पानी से जो चीज़ें पैदा होंगी, जैसे आज यूरिया और दूसरी पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, आज सारे वैज्ञानिक कहने लगे प्राकृतिक खेती की तरफ लौटो, सारी जमीन की जो ताकत है वो इन सारे के सारी चीज़ों ने छीन ली, कमज़ोर बना दी जमीन, परत सारी की सारी खराब हो गई है। ठीक इसी प्रकार से जब बरसात के अंदर जहर है और वो बरसेगा तो भाई ऐसा वनस्पति जहरीला पैदा होगा, और वो हम खाएंगे माता पिता तो रज और वीर्य भी उसी से बनेगा, उसी से संतान का निर्माण होगा, और जैसे संतान का निर्माण होगा वैसा उनका मन भी बनेगा। तो कहाँ जा रहे हैं हम, ये वैज्ञानिक प्रोसेस है, इसको बदलना है तो यज्ञ के द्वारा जब हम शुद्ध सात्विक वातावरण बना देंगे, घर घर में यज्ञ हो, गाँव गाँव में यज्ञ हो, जिले स्तर पर यज्ञ हो, राष्ट्र के स्तर पर यज्ञ हो, सारे देश में यज्ञ होगा, वायुमंडल में इतने सुंदर बादल बनेंगे कि उनमें औषधियों से युक्त बहुत सुंदर जल बरसेगा, शुद्ध सात्विक अन्न पैदा होगा, वनस्पति पैदा होंगे, और उससे बनने पैदा होने वाली संतान कितनी सात्विक मन वाली बुद्धि वाली पैदा होगी। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इस नाते से इस यज्ञ को मत छोड़िए। जब से इस देश के अंदर यज्ञ छूटा तब से लेकर के आज सारी परंपराएं धूल दूषित हो गई। हम लोगों ने बाह्य आडंबर को धर्म मान करके और अपना सत्यानाश कर लिया, धर्म का नाम लेते रहते हैं और सारे के सारे पाप करते रहते हैं, सारे के सारे गलत काम करते रहते हैं।
चोरी भी करते। अब राम का नाम लेंगे परंतु राम तो कितना माता पिता का भक्त था, आप जानते ही हैं कि दशरथ के आदेश को राम ने टाला नहीं। सारे भाइयों ने कह दिया कि नहीं जाएंगे जंगल राम, नहीं वनवास जाएंगे राम, पिता की बुद्धि खराब हो गई बुढ़ापे में, राज तिलक होगा। उस समय राम सबको बिठाकर समझाते कि नहीं, ये परंपरा मत डालो, ये हमारे पिता हैं, अगर पिता का उल्लंघन हमने कर दिया तो आने वाले लोग क्या करेंगे। आज तो चलो ठीक है, इन्होंने जो भी अपना वचन का पूरा किया माता के कई से, किंतु आने वाले लोग क्या शिक्षा लेंगे। इसलिए नहीं, हम बन चलेंगे। कितनी पितृभक्ति, आज राम का नाम लेने वाले कितने पितृभक्त रह रहे हैं। आज तो बूढ़े बाप को भी धक्का दे के फेंक देते हैं, आज तो अपनी शराब पीने के लिए जमीन का हिस्सा मांगते हैं कि जमीन दो नहीं तो ठीक नहीं होगा। रोज अखबार में आता है, कत्ल कर देते हैं माता और पिता की, मेरी जमीन दो नहीं तो ठीक नहीं होगा। आपको ताजुब होगा, 20 साल का एक लड़का अभी रोहतक के अंदर, मनीष नाम का, बहुत अच्छा किसान था, उसका बाप किसान के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी था, 60 करोड़ की संपत्ति बना ली, अकेला लड़का, एक बहन उसकी, और पिता उसको जब मांगे 20,000, 30,000, 40,000 रुपए तक कभी मना नहीं करता था, ले जा बेटा, बिगाड़ दिया पूरी तरह से पहले। और फिर गंदे बच्चों में बैठने से आदत बिगड़ गई, कुछ गंदे बच्चों ने उसको बहकाया कि विदेश चलेंगे, यूरोप, और इस शरीर को बदलवाएंगे, लड़के के बदले लड़की बनेंगे। सोचिए आप कहाँ जा रही है ये नई संस्कृति, नई पीढ़ी, और वो उसके नाम पे कहता 5 लाख रुपए खर्च होंगे, अपने पिताजी से ले लो और टिकट करा लेते हैं, यूरोप चलेंगे। उसने कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। पिता ने कहा रे 10-20 हज़ार तो ठीक था, कहीं जेब खर्ची चाहिए, लड़का भाई हमारा अकेला है, खर्च कर ले। 5 लाख क्यों? पत्नी से कहा इससे पूछो 5 लाख रुपये किस बात के लिए मारे, मैं तो नहीं दूंगा एकदम। जब माँ ने उसको पूछा बेटे को, तो उसके तो एकदम अहम पे चोट लगी कि पूछ रहे मेरे से क्या मतलब है, मुझे खर्च करना है। जब बहुत खोदा तो बता दिया कि ये इस काम के लिए प्रयोग करना मुझे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी पैसा। तो वही पिता रोज उसको पिस्टल के लिए भी बताता था, पिस्टल रखता था, जराज में रखा था, सारा परिवार सोया था, नानी भी आई हुई थी कि झगड़ा चल रहा है परिवार में, समझाने के लिए। सुबह वो लड़का उठा, 20 साल का लड़का, और सारे सोयो को, बहन को मारा, पिता को मारा, माँ को मारा, नानी को मारा, और बाहर घूमने चला गया। और आने के बाद कहने का, ये क्या हो गया मेरे घर में। और थोड़ी देर के बाद फिर सब लोग आ गए, जैसा भी हुआ, पुलिस ने देख लिया कि अभी ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो लेने दो, बाद में ट्रेस करेंगे। उनको डाउट हो गया कि लड़के में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पर अभी नहीं पकड़ते, 4-5 दिन ये जी उनकी प्रक्रियाएं पूरी हो लेने दो, अभी तो लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, हल्कम्मा मच जाएगा, ये काम हो लेने दो पूरा। 6-7 दिन के बाद उसकी जो भी रस्म क्रिया पूरी हो गई, लड़के को पकड़ा, 4 बैंत मारे पुलिस ने, फटाफट सारी कहानी सुना दी। आज वो लड़का जेल में पड़ा है, और उसका वारिस कोई नहीं कि जो 60 करोड़ को संभालने वाला हो। आज कहाँ जा रहे हैं हम? इसलिए राम का नाम नाम रह गया है, राम की नहीं मानते हम। राम को तो मानते हैं परंतु राम की नहीं मानते, उसकी शिक्षा नहीं मानते। भाइयों के प्रति कितना प्यार है राम का, लक्ष्मण को दे गया कि लक्ष्मण तुम चलाओ, मुझे पूरा विश्वास है, तुम चिंता ना करो। और इस तरह भरत को, इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को अपने इस जहन में उतारें कि हम जो इस यज्ञ की प्रक्रिया है इसको अपनाएं। दो बातें कह के बातें मैं वाणी को विराम दूंगा। मैंने एक भौतिक पक्ष इसलिए बताया ताकि सब पढ़े लिखे लोगों को मालूम पड़े कि ये स्वाहा स्वाहा रे समाजी वैसे नहीं करते। कम्युनिस्ट लोगों ने सवाल उठाया था, जी क्यों घी जलवाते हो, यारे समाजी घी जलाने के सिवाय इनको कोई काम नहीं रहता। तो मैं उनको निवेदन कर दूं, अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़े हों तो, एक साइंस का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई दुनिया के अंदर चीज समाप्त नहीं होती, उसको आग में डाल दो, कहीं डाल दो, समाप्त नहीं होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती, उसका परिवर्तन हो जाता है। इसमें घी जलता नहीं है, घी का रूप बदल जाता है, वो सूक्ष्म हो जाता है। इसमें सामग्री जलती नहीं है, वो सूक्ष्म हो जाती है। इसमें संविधा भी जलती नहीं है, उसका जो स्थूल भाग था वो राख रह गई, और सूक्ष्म भाग उसमें जल था और चीजें थी वो चली गई। इसलिए कोई भी चीज दुनिया के अंदर समाप्त नहीं हुआ करती, घी भी समाप्त नहीं होता है, उसका लाभ जो हो रहा है वो नहीं जानते। 1 किलो घी का अगर यज्ञ होगा तो 1,00,000 लोगों तक उसका लाभ पहुंचेगा। और परमात्मा की व्यवस्था कितनी अद्भुत है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ध्यान रखो,
किंतु इतनी नुकसान वाली कार्बन डाइऑक्साइड यज्ञकुंड से नहीं निकलती जो हमारे जीवन को हर ले, हमारे प्राणों को हटा दे। वो बहुत थोड़ी होती है, वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो सारी गैसें यही रह जाएंगी। वो हल्की होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठाती है सारी की सारी गैसों को, इतना ऊंचे तक ले जाती है, दूर तक ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है इस काम को। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें थोड़ी बहुत जो निकलती है, उन लोगों का ये मानना था कि इससे ये होगा, तो उनको मैं बता दूं कि इसमें ना तो कोई चीज़ नष्ट होती है बल्कि वो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ ले लेते हैं, और पेड़ लेके क्या छोड़ते हैं जी, ऑक्सीजन। परमात्मा ने पेड़ों का भोजन भी यज्ञ में दे दिया और मनुष्यों का भी भोजन दे दिया। पेड़ भी जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो पेड़ वापस आपको उसकी ऑक्सीजन बना के देंगे। इसलिए पेड़ों का भी महत्व है, आप सब जानते हो, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ वायु कितनी अच्छी होती है। इसलिए ये पूरा बहुत सुंदर संयोजन है इस यज्ञ कुंड का, यज्ञ विधि का, इसको आप समझें। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है वो आप समझ लीजिए। सत छंदों के उपनिषद का एक प्रकरण आता है, और उसमें राजा जनक जो है महर्षि याज्ञवल्क से प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते हैं महाराज घी ना हो तो क्या यज्ञ कैसे करें, सवाल उठाना शुरू किया उसने। याज्ञवल्क ने कहा घी ना हो तो सामग्री से कर लो, कि सामग्री भी ना हो तो क्या कर लें, कि संविधाओं से कर लो, संविधा की आहुति दे दो स्वाहा, कि संविधा भी ना हो तो क्या कर लें, कि जल से कर लो, कि जल भी ना हो तो क्या करें। कहता चला गया एक लिमिट के बाद याज्ञवल्क को गुस्सा आ गया और कहने लगे, राजा तुम आलसी नजर आते हो, तुम यज्ञ से बचना चाहते हो, तुम बहाना निकालना चाहते हो, तुम तो हो अयम कैद में आत्मा, मैं अपनी आत्मा को ईंधन बना करके समर्पित करता हूँ, इससे यज्ञ कर लो। ये यज्ञ हमको समर्पण सिखाता है, ये यज्ञ हमको परोपकार सिखाता है, ये यज्ञ हमको इस पूरी की पूरी जो ये कायनात है, ये सृष्टि का जो हिस्सा है, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने इंसान हैं, सबके प्रति हमें मैत्री भाव सिखाता है। ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है, ये इकोलॉजिकल परिवार है पूरे विश्व का, इसको मैं खराब नहीं कर सकता, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सहायक हैं, इनके प्रति मैं मित्र भाव रखूंगा तो मैं पेड़ को खराब नहीं होने दूंगा, मैं जल को नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं पृथ्वी को गंदा नहीं होने दूंगा, मैं आकाश को गलत चीजों से नहीं भरने दूंगा। आज पूरा आकाश शोर से भरा हुआ, शोर किस चीज का। मैं दिल्ली से निकलता हूँ, जब पीरागढ़ी से निकलता हूँ तो कोई 30-40 बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं जिनमें शादियाँ होती हैं अमीर लोगों की, एक एक दिन के 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए वो सारे के सारे डेकोरेशन और उसके पैसे ले लेते हैं वो लोग। जब निकलता हूँ तो एक दिन स्वामी आदित्य वेश जी और मैं, क्योंकि ये गाड़ी चला रहे थे, मैं साथ बैठा था, भीड़ ज़्यादा थी शाम का समय, तो इतना तेज एक वो बज रहा था डीजे, क्या आप ताज्जुब करेंगे, मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, हमारी गाड़ी के टायर भी कंप रहे थे और हमारे खुद दिल के ऊपर इतना जोर से आवाज़ आ रही थी जैसे ये बंद क्यों नहीं हो जाए, तो कान ही बंद करने पड़े आखिर में, इतनी तेज आवाज़ के डीजे बजा रहे। ये कहाँ जा रहे हैं शब्द, ये आकाश में। वेद का सिद्धांत है शब्द कभी समाप्त नहीं होता, मेरा व्याख्यान आपने सुना किंतु केवल आप तक नहीं रहा, ये आकाश में चला गया। और आज मैं कह के जा रहा हूँ चिंदौड़ी गांव के इस मंच पर, 20 साल के बाद विज्ञान इतना आगे जाएगा, इस आकाश की चीर फाड़ होनी है, इसको देखा जाएगा इसमें क्या क्या भरा पड़ा है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये होगा जब आज यहाँ मेरे ये लगा रखा है, ये अभी अमेरिका में मेरा भाषण सुना जा रहा है, कनाडा में सुना जा रहा है, और सिंध प्रांत पाकिस्तान का वहाँ समाज है वहाँ सुना जा रहा है, तो ये सारा का सारा किरणों का सिस्टम है, साइंस है ये, इसको चीरा जाएगा और इसमें देखेंगे कि वेद मंत्र कितने हैं, बढ़िया बढ़िया गीत कितने हैं, और ये कान फोड़ू संगीत कितने हैं, और गंदी से गंदी बातें कितनी आ रही हैं। शब्द सारा इसमें रहता, शब्द शाश्वत है, कभी उसका नष्ट नहीं होता। जब तक दुनिया रहेगी आपके मुंह से निकली हुई गाली भी रहेगी और आपके मुंह से निकले हुए अच्छे शब्द भी रहेंगे। इस आकाश को खाली करो, हम एकांत में बैठे तो कानों में से आवाज आती भी भी भी, ऐसा शोर निकलता, क्योंकि हमारा दिमाग भरा पड़ा है शोर से,
और उसका परिणाम क्या निकलता है। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, उन्होंने एक बार लिखा कि दिल्ली के 20 मंजिला मकान के अंदर रहने वाले लोग चौथे मंजिल पर एक नौजवान की मौत हो जाती है और तीसरे नंबर तल्ले के ऊपर शादी का जश्न हो रहा है या जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है, शराबें खुल रही हैं, मांस बन रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं। वो जवान आदमी की अर्थी को कंधा देने वाले 5 आदमी भी नहीं जुट पाए, रिश्तेदार दूर थे, परंतु नीचे विवाह में शामिल लोगों को कोई आभास नहीं था कि इस संकट में हम भी शामिल हो गए। गांव के अंदर अगर किसी एक गरीब का, किसी दलित का, हरिजन का भी कोई व्यक्ति संकट में होता, उसके घर में मौत हो जाती या कोई और कारण बन जाता, तो सारे गांव के लोग जाकर के उसके पास खड़े हो जाते थे, अपने घरों से उपले लकड़ी ले जाकर उसके मुर्दे को जलवाते थे। उसकी लड़की की शादी नहीं होती तो 10-10 रुपये न्योता घाल कर उसको जो है कुछ ना कुछ मदद करते थे। संस्कृति थी ये, जिए संस्कृति। आज वो शहरों में क्यों हो गई ये हालत, सिद्धेश्वर प्रसाद कहते हैं इसलिए हो गई कि उनके जो सेंसिटिविटी थी, संवेदनाएं थी, जो सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग के तंतु हैं छोटे छोटे, जैसे आप इस कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे तार होते हैं, अगर थोड़ी सी भी हीट हो जाए, गर्मी आ जाए तो सारे जल जाते, कंप्यूटर काम नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से दिमाग का कंप्यूटर फेल हो जाता है, संवेदनाएं छूट जाती हैं, हम दूसरे के दुख में अपने आप को शामिल करना पसंद ही नहीं करते क्योंकि हमने शोर भर दिया आकाश में। ये सारा का सारा इकोलॉजी जितनी भी है ये इस यज्ञ से जुड़ी हुई है, इसलिए यज्ञ को अपनाओ। तो कहते हैं ये हमको त्याग सिखाता है, त्याग करना सिखाता है। और दूसरी बात कह के वाणी को विराम दे दूंगा, बहुत लंबा गर्मी भी, मेरे को भी पसीना खूब छूट रहा है, जोर लगा के बोल दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य के ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ जनक के यहाँ पर, वो सारे देश के राजा महाराजाओं को बुलवाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, कोई छूटा ही नहीं, एक विद्वान छूट गया जंगल में, उसका नाम था उद्दालक। विद्यार्थी भी पढ़ते थे, विद्वान भी बड़ा अद्भुत था और विद्वालक बड़ा गुस्सा भी बहुत आता था उनको। और प्राचीन काल के ऋषियों की विशेषता यह होती थी उनकी वाणी में अमोघ शक्ति होती थी क्योंकि उनकी वाणी पर सत्य सिद्ध हो जाता था। योग दर्शन लिखता है जिसकी वाणी पर सत्य सिद्ध हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, जो वाणी से सत्य बोलने लग जाता है, मन में भी कभी उसके झूठ बोलने की बात नहीं उभरती, चाहे घर के आदमी के खिलाफ भी बोलना पड़े, जो व्यक्ति मन वचन कर्म से सत्य बोलता है उसकी वाणी में इतनी ताकत आ जाती है कि सामने वाला उसके सामने बोल नहीं सकता। ये ऋषियों की परंपरा थी। जिस समय राम और चारों भाइयों को पढ़ाने का समय आया, क्योंकि देर से पैदा हुए थे, बुढ़ापे की संतान थी, उस समय पढ़ाने की जब बात आई तो विश्वामित्र और वशिष्ठ गए राजमहल में और दशरथ से कहने लगे महाराज राजकुमारों को पढ़ाने के लिए भेजो वशिष्ठ जी के गुरुकुल में। तो दशरथ को मोह था क्योंकि संतान का मोह तो भाई होता ही है, सब पिताओं में होता है। वो कहने लगे तो राजकुमार है, जंगल में तो राक्षसों का बड़ा भारी नंगा नाच हो रहा है, वो तो गुरुकुलों के आचार्यों को उठा ले जाते हैं, मार देते हैं, वो तो यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, वहाँ इनकी सुरक्षा कौन करेगा, राजमहल के पीछे एक कुटिया बना देता हूँ, यही वशिष्ठ जी रहने लगे और राजकुमारों को यही पढ़ा दें। उस समय एकदम विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सोच कि राजकुमार तो राजमहल में पढ़ेंगे और इस प्रजा के बच्चे वो जंगल में राक्षसों को सुपुर्द रहेंगे। उन्होंने कहा राजा तुम ये क्या बात करते हो, तुम्हारे पुत्र हैं ये राजकुमार होने के कारण यहाँ पढ़ेंगे और पूरी प्रजा के बच्चे राक्षसों के अधीन कर दोगे, वो उनको ठीक रखें तो रखें, ना रखें तो उनके रहम पर रहेंगे, चुप करके राजकुमारों को इनके साथ भेज दो। दशरथ की आगे से हिम्मत नहीं पड़ी कि एक शब्द बोले और चारों को उसके साथ कर दिया और जंगल में जाके पड़े। तो उस समय ये ऋषियों की वाणी का एक प्रभाव था, उद्दालक में भी थी ये योग्यता। उद्दालक को किसी ने जाके पूछ लिया महाराज जनक के यज्ञ में कब जा रहे हो, तो उद्दालक ने कहा जनक का यज्ञ कौन सा है, हमको तो अब तक कोई खबर नहीं आई, हमें तो न्योता दिया नहीं। गांव में भी आप जानते हो कई ऐसे चौधरी होते हैं बड़े तगड़े कि उनको कोई वैसे भी कह दे तो जाएंगे नहीं जब तक कोई आए नहीं। एक उधर हरियाणा का बड़ा वो है, एक भैंसवाल गांव है, गठवाड़ों का है वो, तो थम्बू राम थे एक नंबरदार, वो कहा करते बोले भाई इलाके में कोई प्रोग्राम हो तो गांव का नाई आता मुझे बुलाने कि ताऊ फलानी जगह प्रोग्राम है तेरा न्योता आया है, और फिर गांव में हो तो 4 बार घर वाला आता है, जब जाता हूँ मैं वैसे नहीं जाया करता,
तो इस तरह के कई होते हैं चौधरी। तो इसने कहा मुझे तो किसी ने बताया नहीं, और नहीं बताया तो फिर हम इतनी ताकत भी रखते हैं, हम राजा को भी देख लेंगे और याज्ञवल्क्य को भी देख लेंगे, हम जाते हैं खुद ही। अब ये सारे ब्रह्मचारियों को लेके चल पड़े और राज दरबार के सामने पहुंच गए। तो वहाँ तो पुलिस होती है, राजा उन्होंने देखा कि एक ग्रुप आ गया पूरा, महाराज आपका परिचय, कि हम आपको कोई परिचय नहीं देंगे। बोलिए जनक को कि महर्षि उद्दालक आए हुए। जैसे ये कहा उसने जाके सूचना दी तो उसको याद आ गया कि ओहो उद्दालक को तो खबर ही नहीं दे गए थे, और वो तो इतना इतना उग्र व्यक्ति है, अगर उसने मुंह से कोई गलत बात भी निकाल दी तो वो तो हमारा तो नष्ट ही कर देगा मामला, कैसे पीछा छुड़वाए, बड़ा गलती हो गई। वो दौड़ा दौड़ा आया, जूते निकाल के साष्टांग पैर पकड़ के बैठ गया। महाराज माफ़ी दे दो, गलती हो गई, जैसे भी आपने उस गलती को सुधार लिया, आप तो महान हो, आप आ गए खुद, मैं धन्य हो गया, और मेरे से भूल जो हुई थी उसका प्रायश्चित करूँगा, आप सम्मान आप भीतर आइए। तो थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ तो आगे जाने से पहले कहते आपका आचार्य कौन है कि याज्ञवल्क्य। बोले तो याज्ञवल्क्य से तो हम वही बात करेंगे, पहले तुम मुझके बताओ कि यज्ञ की आत्मा क्या होती है। तब राजा चुप, यज्ञ की आत्मा का उसको तो नहीं पता था क्या होती है। फिर बोले यज्ञ का प्राण क्या होता है, इसका भी नहीं पता। फिर बोले यज्ञ का सार क्या होता है, तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। तो जनक ने फिर कहा महाराज आप ही ये समाधान भी कर दो, मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ, राज के कामों में लगा रहता हूँ, मेरा शास्त्र का ज्ञान इतना कहाँ है, आप बता दो। तब वो कहते हैं, और आप सोच के देखिए, वो कहते हैं यज्ञ की जो आत्मा है वो स्वाहा है। मुसलमान लोग जब कोई कुरान पढ़ते हैं, कोई आयत बोलते हैं ना, आपने एक शब्द सुना होगा आमीन, जब वो बोलते हैं तो वो उनका मोल भी बुलवाता है, बोलो आमीन, मतलब कोई आयत की कोई बोली और उसके पीछे आमीन बुलवाते हैं। ये आमीन क्या है उनका, ये उनका आमीन है कि जो आयत में लिखा हुआ है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, वो सही है। और स्वाहा कहने वाला कहता है सु आ, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, मैं इसको हृदय से स्वीकार कर रहा हूँ इस मंत्र के भाव को, और मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ, समर्पित हो रहा है। यदि यज्ञ में ये समर्पण नहीं है और स्वीकारोक्ति नहीं है मंत्र के अर्थ और भाव की, तो यज्ञ निरर्थक रह जाता है, इसलिए यज्ञ की आत्मा है। और प्राण क्या है, कहते प्राण तो इससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा का भी अस्तित्व प्राण पर ही टिका हुआ है। प्राण गायब तो आत्मा भी गायब हो जाएगी, जड़ रह जाएगा केवल। आत्मा का जो अस्तित्व है वो इस शरीर के चलते रहने पर टिका हुआ है। अगर इसमें चेतनता न हो, प्राण ना हो, तो क्या पता इसमें आत्मा क्या होती है, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमको तो आत्मा का तब पता लगता है ना जब ये चेतन रहता है, बिना आत्मा के कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि इसका प्राण क्या है, तो कहते प्राण तो इतना महत्वपूर्ण है जैसे शरीर में प्राण का महत्व है, प्राण ना हो तो खत्म। और ये भी अगर नहीं है तो ये यज्ञ में भी कोई आपको निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और वो प्राण होता है इसमें इदं नमः। आपने मंत्र बोले होंगे कई बार, बीच में आते हैं जो दैनिक यज्ञ करते हैं, इदं नमः इदं नमः, ये मेरा नहीं है। ये इदं नमः का जो भाव है ये पुरुषार्थ चतुष्टय का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य योनि मिलने के बाद हमें भगवान ने एक रास्ता दिया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष में जाना है मनुष्य को, कैसे जाओगे, धर्म का पालन करते हुए, धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन करते हुए, अर्थात धन कमाते हुए, और अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो भी धर्म के अनुसार पवित्रता से, संयम से, सदाचार से उनकी पूर्ति करते हुए जब हम आगे जाते हैं तो हमारा लक्ष्य हमको मोक्ष मिल जाता है। दिक्कत यही आ रही है कि ना तो हम सही धर्म को जान पाए कि धर्म है क्या, ना ही हम धर्म के अनुसार अर्थ को कमाना अपने जीवन में अपना पाए, और ना ही धर्म के अनुसार अपनी इच्छाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करना कमा पाए। हम लोगों ने सारी चीज़ों में अपनी विलासिताओं को, अपनी और सारी चीज़ों को जोड़ लिया, धर्म को भी भाई आडंबर तक छोड़ दिया। बहुत वर्षों पहले 1997 में मैं जर्मनी गया था, कोलन एक शहर है, उस शहर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च है, सबसे ऊंचा। तो मुझे वहाँ के गाइड कहने लगे आपको हम एक चर्च दिखाते हैं, आप इस शहर में आए हुए हैं, इस देखने, इसके देखने के लिए दुनिया आती है, आप भी चलिए। मैंने कहा क्या विशेषता है कि इसका सबसे ऊंचा है ये। और जब मैं वहाँ गया तो आप आश्चर्य कहेंगे, 300 फुट ऊपर लंबे पर्दे उसमें टंगे हुए,
और छत तो दिख ही नहीं रही थी, बहुत ऊंची छत थी उस चर्च की, बनाया होगा। अब इतना ऊंचा चर्च हो जाए और उस चर्च में बैठने वाले लोग सारे के सारे पाप करते हों, उस चर्च से क्या लेना देना धर्म का, मुझे बताएं। सिखों के गुरुद्वारे पर अगर कलश लगा दे सोने का, तो वो सोने का हो या संगमरमर का, इससे क्या बदल धर्म का अर्थ निकलता है। मैं जालना शहर में गया पिछले दिनों, अभी गाड़ी नहीं आई थी, जाना था मुझे 100 किलोमीटर आगे जालौर, तो वहाँ पर वो कहने लगे यहाँ जैन मंदिर है उसको देख लो एक बार। मैं कहा क्या विशेषता है, कि भीतर की दीवारों सारी सोने की बना रखी। हम दीवारों को सोने का बना लेते हैं, कलश को सोने का बना लेते हैं, हम चर्च को ऊंचा कर देते हैं, मीनार के गुंबजों को, आकाश की गगनचुंबी अट्टालिकाओं तक पहुंचा देते हैं, और जो धर्म का आचरण है वो हमारे जीवन में है ही नहीं। इसलिए आज धर्म मर रहा है और हम लोग दंदना रहे हैं। धर्म का सच्चा स्वरूप जब तक हम नहीं समझते, तो ये धर्म हमको कोई लाभ देने वाला नहीं है। इस नाते से ये कहते हैं इदं नमम, ये भाव जिस दिन आ जाएगा आप मुक्ति के पथिक बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे, मुक्ति की तरफ जाओगे। किंतु वही इदं नमम ही नहीं बन पाता। हम तो हर चीज में कहते इदं मम, इदं मम, इदं मम, ये मेरा ही मेरा है सब कुछ। ये है इसका प्राण, और इसका सार क्या है? सार है इसकी उठने वाली सुरभि, इसका यश, इसकी सुगंधि, यज्ञ की जो ये सुगंधि है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ डाल रखे, इसका मतलब सुगंधि नहीं है। ये तो हमको अच्छा प्रिय लगता है, बैठने के लिए बड़ा हमको उत्साहित करता है कि अच्छी सुगंधि उठ रही, यहीं बैठेंगे, सामग्री घी बहुत शुद्ध है, आनंद आ रहा है। इसका मतलब ये है, यदि आप ब्राह्मण हैं, आप वेद के विद्वान हैं, आप पंडित हैं, और आपके जीवन में आपके सामने अधर्म फैल रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है, और उसको मिटाने के लिए आप कृत संकल्प नहीं हैं, तो समझ लीजिए आप अपने दायित्व का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। आपका वहां पर कर्तव्य है कि आप अपने दायित्व को पूरा करो, और चारों तरफ ये प्रसिद्धि हो जानी चाहिए कि चंदानी चंदोड़ी गांव के अंदर एक विद्वान है जो अज्ञान और अधर्म को या किसी भी प्रकार के अविद्या को सहन नहीं करता, और शास्त्रार्थ मारती है, उसके सामने कोई टिकता नहीं। दयानंद के जीवन का जो यज्ञ था, उसके यज्ञ का प्रभाव ये पड़ा कि काशी नरेश, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह तीन शास्त्रार्थ सुनने के बाद विश्व दयानंद के चरणों में मत्था टेक देता है, कहता महाराज आपकी विद्या देख करके मैं गदगद हो गया, मुझे तो इन मूर्ख पंडितों ने बहका करके रखा, और मैं आज मालूम पड़ गया कि इनको तो कुछ भी नहीं आता है, आज से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। जैसे ही शिष्य बने तो सारे के सारे काशी के अंदर एक तरह से तूफान खड़ा हो गया, सारे पौराणिकों में हड़कंप मच गया। 28 पंडित विशुद्धानंद, बाल शास्त्री, माधवाचार्य, जितने बड़े बड़े उस समय के जाने माने विद्वान थे पौराणिक, वो सारे घबरा गए कि राजा ने शिष्यत्व ले लिया दयानंद का, अब तुम्हारी पैरों को दो पैरों को जगह नहीं मिलेगी इस काशी में, अब तुम्हारा पाखंड नहीं चल पाएगा, राजा ही खिलाफ हो गया। तो सारे मिलकर दयानंद सरस्वती के पास जाके कहते महाराज आपकी विजय हो गई, हमने भी मान ली, राजा ने भी मान ली, अब तो आप हमें अपने साथ जोड़ लो, और दो बातें लेके आए, वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। स्वामी जी बोले क्या है बताओ, कि एक तो हम आपका यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं जिसमें दयानंद की मूर्ति लगाएंगे, और हम ये घोषणा करेंगे कि महर्षि दयानंद संसार के सबसे अंतिम अवतार हैं, हम आपको अवतार घोषित करना चाहते हैं बनारस की इस धरती पर, आप हमारी बात मान लो। स्वामी जी हंस के कहने लगे अभी भी घुंडी बदली नहीं है तुम्हारी, तुम मुझे ही बिगा रहे हो मेरे सिद्धांत से, जिस मूर्ति पूजा का मैं इतना विरोध करता चला आया, जो गलत है, अंधेरा अज्ञान है जिसमें, और जिस अवतारवाद को मैं खंडन करता हूँ, तुम मुझे ही उसमें डुबोना चाहते हो, अभी भी तुम्हारा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक बनो और सही वेद के रास्ते पर आ जाओ तो मिल के काम करो। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके किए हुए यज्ञ की सुगंधि यश चारों तरफ फैलना चाहिए। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपके क्षत्रिय होने के बाद चारों तरफ ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि इस धरती के ऊपर क्षत्रिय जीवित है, किसी भी अवला के ऊपर कोई भी आदमी कुदृष्टि डालेगा, उंगली उठाएगा, उसकी उंगली काटने वाला जिंदा है, एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला, ये उसका यज्ञ है क्षत्रिय धर्म का। इसकी सुगंधि सुरभि क्या है? चारों तरफ उसकी यश फैलना चाहिए, ताकि लोग कांप जाए कि अगर हमने कहीं भी अन्याय किया तो वो व्यक्ति जीवित है, वो छोड़ेगा।
अभाव एक वैश्य ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में ये प्रसिद्धि हो जाए कि जब तक वो जीवित है, भामाशाह का नाम हम लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं सेठ छाजूराम थे हरियाणा में, जिन्होंने 2 महीने तक भगत सिंह को अपने घर में रखा था, अलीपुर कलकत्ते में, एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ, चला गया कलकत्ते में, बोरी ढोता था और उसके बाद सुतली बनाने का, बोरी बनाने का कारखाना शुरू किया। 21 कोठियां सेठ छाजूराम की थी, एक जाट परिवार में उसने जन्म लिया, सेठ बोलते थे उसको, और वो आता था गांव में, ऊंटों में रुपए भर करके निकलता था और गांव में कह देता था जिसकी लड़की की शादी रुकी हुई हो पैसे के कारण, वो आ जाओ और अपना बजट ले और पैसे ले जाओ। 10,000 आदमी उसके घर पर सदाव्रत भोजन करते थे। 1856 में अकाल पड़ा, उसने कह दिया जोड़ खोदो और काम करो, पैसे सारे मुझसे लो, तुम रुको मत, कभी भी तुमको भूखों नहीं मरना पड़ेगा। ऐसा वैश्य जब होगा तो चारों तरफ उसकी सुगंधि फैलनी चाहिए, उसके कार्य का प्रचार होना चाहिए, तो कहेंगे इसके यज्ञ की सुर भी है, सार है। बंधुओं, हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को समझते नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था, ये आश्रम व्यवस्था, ये अपने आप में ऐसी अद्भुत रही है जो इस यज्ञ से निकलती हुई दिखाती। आप देखिए इस यज्ञ में घर को कैसे जोड़ा जाता है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है इसमें। आपने देखा होगा जो समिधाएं हैं उसके बारे में ऋषि ध्यान लिखते हैं, वो उसमें सुराख ना हो, उसके ऊपर छिलके ना हो, वो सड़ी हुई ना हो, गली हुई ना हो, बीजी हुई ना हो, उसमें घुन न लगा हुआ हो, वो न डालो। और घर में क्या है, घर में कहते हैं कि जब विवाह होता है तो दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिलाओ, संतुलन मत बिगड़ने दो। ज्यादा घी डालोगे तो ठीक नहीं, ज्यादा सामग्री डालोगे तो ठीक नहीं, ज्यादा संविधान डालोगे तो ठीक नहीं। संस्कार विधि में सबकी बाकायदा संख्या बताई, कितनी चीजें डालनी है। यदि हम इसको परिवार में देखेंगे तो लड़के और लड़की के गुण कर्म स्वभाव मिला के जहाँ शादी होगी वहाँ सुगंधी उठेगी प्रेम की, वहाँ सुयोग्य संतान बनेगी। और भाई जहाँ ये नहीं मेल होगा वहाँ पर झगड़े, वहाँ पर अंधेरा, वहाँ पर धुआं उठेगा, और धुआं जो है आंखों में जाता है तो आंखों को रुला देता है, आंसू निकलेंगे। जिन परिवारों में ये अनमेल मामला होता है वहाँ पर यही हुआ करता है। ये यज्ञ परिवार को जोड़ना सिखाता है, ये यज्ञ राष्ट्र को चलाना सिखाता है, ये यज्ञ व्यापार में कैसे हमको बिजनेस मैनेजमेंट एंड यज्ञ, इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ तो 1 घंटा मुझे चाहिए कि बिजनेस में यज्ञ कैसे काम आता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे काम आता है। ये यज्ञ एक बहुत बड़ी विधि है, इसलिए इसका आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष दोनों हमारे लिए उपयोगी है। इसको आप समझो और अपने जीवन से जोड़ो। इन शब्दों के साथ आज, क्योंकि ये सामवेद पारायण यज्ञ है, एक संकल्प की आशा के साथ वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा एक सन्यासी के नाते मेरी भिक्षा यही है, आप लोग जरूर उस भिक्षा को मेरी झोली में डालेंगे। सामवेद उपासना का वेद है, और उपासना किसकी, उपासना निकट बैठना, उप माने निकट, आसना माने आसन लेना बैठना, उपासना का वेद है। और उपासना ईश्वर की, वो ईश्वर हमें इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, आँख से नहीं देखेगा, कान से नहीं सुनेगा, हम उसको हाथ से नहीं अनुभव कर सकते, इंद्रियों से परे का वो विषय है। उसके कार्य को देख करके उसका हमें आभास होता कि वो ईश्वर कितना महान है जिसने इतनी बड़ी अद्भुत ये सृष्टि रचा दी, वो ईश्वर इतना महान है जिसने ये पिंड मेरा शरीर कितना अद्भुत बनाया। आप जानते हैं ये फेफड़े कितने लंबे हैं, 14,000 फुट लंबे फेफड़े हैं ये, और इसको भगवान ने बना के लगा रखा, किसी मशीन में नहीं बने थे। अब तो थोड़ा सा मनुष्य भी आगे निकल गया, अब तो ट्रांसप्लांट होने लगे, मरे हुए के ले लेते हैं, लगा देते हैं, अभी प्लास्टिक के तो नहीं आए हैं परंतु हो रहा है। किंतु मैं कहता हूँ उस ईश्वर की रचना, इस पिंड की रचना देखो, बच्चा माँ के पेट में है, पानी में घूम रहा है, डूब नहीं रहा, नाक भी उसका खुला है, मुंह भी सारा खुला है, माँ के पेट में गर्भ के भीतर जो उसका जो स्थान है वहाँ पर उस पानी में घूमता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। पेट के अंदर मलमूत्र भी है, दुर्गंध नहीं आती है, बाहर आते ही दुर्गंध आती है। पेट के अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, एक जगह ये लीवर है ये खून बनाता है, ये हार्ट है ये सारे शरीर में बांटता है, ये फेफड़े हैं उसको शुद्ध करते हैं, और इतनी नस नाड़ियाँ, 72,000 नस नाड़ियाँ, छोटे छोटे लीगामेंट इन जोड़ों के अंदर हैं। कैसी कमाल की रचना उस इंजीनियर ने इसकी की है, ये है वो ईश्वर। उसको इन देवी और देवताओं से जोड़ करके कभी भी मत देखा करो।
ये देवी और देवता जो बनाए जिन लोगों ने, ये तो महापुरुष लोग थे, इनमें से कुछ लोग उनके जीवन से प्रेरणा लो। उनको लड्डू मुंह लगाने से वो खुश नहीं होते, राम के जीवन से प्रेरणा लो, कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लो, शिव जी के जीवन से प्रेरणा लो। वो कितने तपस्वी, कितने विद्वान, कितने परोपकारी, कितने धर्मात्मा थे, हम भी कुछ थोड़ा बहुत बन सकें, ये उनकी एक प्रकार से पूजा है। पूजा का मतलब होता सत्कार करना, माता पिता की पूजा का मतलब होता उनका सत्कार करना, उनकी पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि थाली में दीपक रख के पिताजी की आरती उतार दो और माँ की आरती उतार दो, और जब समय आए तो ना खाने की पूछो ना दवाई की पूछो, वो तड़पते रह जाएं। मुझे याद है पानीपत के अंदर एक बूढ़ा आदमी वो था, बेचारा जवान लड़का, उसका बच्चे के जन्मदिन की पार्टी रखती, वो थोड़ा बीमार रहता था, गंदे कपड़े रहते थे, उसकी खाट पीछे बरामदे में डलवा दी। सुबह 11 बजे पार्टी शुरू हुई, 2:30-3 बजे तक पार्टी चलती रही, वो बरामदे में लेटा हुआ बूढ़ा, और घर के अंदर एक भी सदस्य जाके पूछ के नहीं आया कि तुम भी कुछ खा लो। मैं आया, मेरे मित्र रहते थे ऊपर किराए में, उनसे मुझे मिलना था, जब मैं गया तो उसने मुझे रोक के कहा, उन दिनों में संन्यास नहीं लिया था, कहते भाई वो जो वेदपाल ऊपर हो तो कहना दो रोटी मेरी भी बना देगा। मैंने कहा आपने रोटी नहीं खाई? बोला नहीं, आज तो मैं ये जो पार्टा हो रहा है इसका शिकार हो गया, मेरा कौन ध्यान रखेगा। ये जो स्थिति बन रही है ये नहीं बननी चाहिए। इस नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस ईश्वर की उपासना का संकल्प लीजिए, और प्रातः काल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी समय है। क्यों? क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, वृत्तियाँ शांत हो जाती, मन भी शांत हो जाता, मन भी चंचलता में नहीं रहता। सुबह उठेंगे, लघु शंका जाओ, शौच जाओ, हाथ पैर धो लो, और बैठ के थोड़ी देर, कुछ देर अपना भगवान की तरफ अपने मन को लगा लो, समर्पित हो जाए। हे प्रभु, कहीं भी गलती होती, अल्पज्ञ हूँ, भूले हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हो जाती है, प्रभु मुझे संभालते रहना, मैं जानबूझ के कोई भी इस तरह का नहीं करूँगा, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहनी चाहिए, उससे प्रार्थना करो बैठ के प्रातःकाल। और मैं दावे से कहता हूँ ज्यों-ज्यों प्रार्थना आप करते चले जाएंगे, आपके भीतर से परिवर्तन अपने आप होता चला जाएगा, आप स्वयं उन गलत विचारों से अपने आप को बचाते चले जाएंगे और आपका रास्ता बहुत सुंदर बन जाएगा। हम कम से कम इतना तो कर लें कि दोबारा अगली योनि में आए तो मनुष्य ही बने, ये तो ना होना कि मनुष्य ना बने। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि कुछ नहीं करेंगे तो भी जो है मनुष्य तो बन ही जाएंगे, अच्छा करें ना बुरा करें। तो एक आदमी भाषण दे रहा था, सास बहू के बीच झगड़ा पड़ रहा था, सास तो हेराफेरी कर लेती थी कुछ चीज़ों की, और बहू ऐसी थी नए विचारों की थी, वो काम नहीं करती थी, तो सत्संग में चली गई ऐसी। तो बोलने वाले स्वामी जी जैसे विद्वान बोले कि कर्म फल के सिद्धांत को जानते हो क्या होता है? बोले हाँ जी बता दो। बोले देखो, जो आदमी चोरी करता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है। चूहे को आपने देखा होगा कि कोई भी सामने नहीं खाता, कभी भी उठा के भाग जाएगा और छिपके खाता है। तो कहता वो तो अगले जन्म में चूहा बनता है। अब बुढ़िया ने सोची कि भाई ये तो मेरे ऊपर लागू हो गई। अब बहू का नंबर आया, होकर और जो आदमी निठल्ला रहता है वो पानी में मछली बनता है, मछली पड़ी रहती है पानी में, कुछ नहीं करना। घर में आई तो बहू ने सोचा ये तो बड़ी खतरनाक बात बता दी, आज तक किसी ने बताया नहीं था, तो अब काम करना शुरू कर देते हैं, जितना बीत गया सो बीत गया। अब उसने सुबह उठी, रसोई में चली गई जबकि नहीं जाती थी। बुढ़िया ने सोची आज बहू में ये परिवर्तन कैसे आ गया। वो कहती बेटी आज कैसे तने उठा लिए ये सुबह सुबह अपने बर्तन भांडे। बोले माँ मैंने मछली